जगहों पर भी कर रहे हैं। लगभग 35 दिन का शेड्यूल है हमारा। फुल प्रीलिम्स हम नेक्स्ट ईयर होली पे करने वाले हैं। हाँ, ये दर्दन है, ये फिल्म का दर्दन है, समाज का दर्दन है या राजनीति का दर्दन है? इसका सही जवाब तो डॉक्टर साहब देंगे। हाँ, बिल्कुल अमीटू चल रहा है। देखिए, ये समाज का दर्दन है जिसको हम लोग साफ करने की कोशिश कर रहे हैं फिल्म में, और कोशिश ये है हमारी कि सिस्टम में पहले किस तरह की जो गंदगियां हैं सिस्टम से एक जो हमारा कैरेक्टर है वो बिगड़ जाता है, और बिगड़ने के बाद किस तरह से लड़ करके समाज से सिस्टम से सुधारता है, ये हमारी दर्दन है। भ्रष्टाचार पे भ्रष्टाचार सिस्टम में जो चीजें सिस्टम में त्रुटियां फैली हुई है, अगर सिस्टम सही हो जाए पूरी तरह से, सिस्टम अगर चाह रहे कि हम समाज का सिस्टम राजनीति का सिस्टम, मैं राजनीति के सिस्टम की बात कर रहा हूँ, भ्रष्टाचार की बात कर रहा हूँ। सर, सिनेमा समाज का ही दर्पण है, और हम जो भी कुछ दिखाने वाले हैं वो कहीं न कहीं उस अच्छे की, कहीं न कहीं उस बुरे की जो हम लोगों की आंखों के सामने होता है, हम देखते आए हैं, हम सुनते आए हैं, हम उसका समाधान लेकर के, उस मुद्दे को लेकर के सिनेमा के माध्यम से आप लोगों के पटल को रखेंगे जनता के सामने। और भोजपुरी में या अपने आप में, वैसे तो हर सिनेमा जो बना रहा होता है वो यही बात कहता है कि मैं अपने आप में एक शून्य सिनेमा लेकर के आया हूँ, अद्भुत सिनेमा लेकर के आया हूँ, पर एक ऐसा सिनेमा होगा जिसे वास्तव में सिर्फ हम ही भिन्न नहीं कहेंगे, श्रोतागण भी कहेंगे, दर्शक भी कहेंगे, देखने के बाद, इसको सुनने के बाद, हमारे उस दर्दन को जिसको आप समाज से जुड़ रहे हैं, राजनीति से जुड़ रहे हैं, या मी टू कैंपेन से जुड़ रहे हैं, जो समाज का हिस्सा है, तो जब आप उसको देखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे, तो शायद जो हम लोगों की मंशा है सिनेमा के माध्यम से वो आप तक पहुंचे, ये हमारा प्रयास है। पूरी शूटिंग हमारी मलियाबाद है, कुछ हिस्से मलियाबाद में कर रहे हैं हम, और कुछ शिवगढ़ है, कुछ चंडिका देवी है, कुछ हम देवरिया कर रहे हैं, नहीं देवरिया भी है हमारे पास, और पटना में भी है, उत्तराखंड भी है, तो लगभग कुछ 8 लोकेशन पे हम शूट कर रहे हैं, और लखनऊ तो है।